गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे अकाउंट की बात करने वाला हूं जो एक पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिस पर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री बिजनेस एक्सपेंस कार्ड मिलता है, जिसे आप कैश विड्रॉल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और भी कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड से जो भी आप खर्चा करते हैं यहां पर आपको 3.5% का कैशबैक मिलता है। सोचिए, जीरो बैलेंस अकाउंट पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेबिट कार्ड मिल रहा हो और इस प्रकार का 3.5% कैशबैक मिल रहा हो तो और क्या चाहिए आपके लिए। और इसी के साथ इसमें एक धमाकेदार ऑफर चल रहा है, जिसमें बस अपना आप अगर अकाउंट बनाते हो तो आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलने वाला सीधा आपके अकाउंट में। चलिए बात करें डिटेल्स में, क्या ऑफर की कंडीशन है और किस प्रकार से आपको अकाउंट बनाना है और किस प्रकार से आपको इसी ऑफर कैशबैक लूटने होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जॉइन चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस एप्लीकेशन का नाम है टाइड, टाइड नाम से एप्लीकेशन है। इस ऐप में अभी चल रहा है एक धमाकेदार ऑफर, जिसमें आपको बस अपना अकाउंट बनाना है, साइन अप बोनस के रूप में यहां पर आपको 500 रुपए कैशबैक मिलने वाला है। कैशबैक कैसे मिलेगा उसकी सिंपल सी कंडीशन है, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लो या आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाते समय आपको एक रेफर कोड यूज करना है, जिसकी वजह से आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलने वाला है। इसके अलावा इस ऑफर की दूसरी कंडीशन यह है कि आपको अकाउंट ओपन करने के 10 दिन के अंदर अपने अकाउंट में 500 रुपए की फंडिंग करना है। तो अकाउंट ओपन करते समय रेफर कोड डाल देना ध्यान से और 500 रुपए की फंडिंग कर लेना अपने अकाउंट में। जितना जल्दी फंडिंग कर लोगे उतनी जल्दी आपको कैशबैक मिल जाएगा। कैशबैक के लिए हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और सीधा आपके यूपीआई आईडी पर कैशबैक ट्रांसफर करा देगी। लेकिन ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है तो भाई थोड़ा जल्दी कर लेना। अगर ऑफर में कुछ अपडेट आता है लंबे समय बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं हम टाइड की। देखिए टाइड एक कंपनी है जो आपके लिए बिजनेस एक्सपेंस कार्ड इशू करती है और इस कार्ड को हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बिजनेस होना चाहिए तभी आप बना पाएंगे, विदाउट बिजनेस के भी आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। इसी के साथ यहां पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है ये आपको दोनों फॉर्म मिल जाता है, इंस्टेंट आपको वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा और फिजिकल कार्ड भी आपको विद इन 7 वर्किंग डे के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर मिल जाता है। इसके अलावा कई बार आपको ऐसे ऑफर मिलते रहते हैं कि आप 200 रुपए अपने खाते में लोड करो और आपको 100 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। और इसके अलावा यहां पर आपको बुक माई शो पर भी कमाल का ऑफर मिलने वाला है, मतलब आप एक मूवी टिकट बुक माई शो से इस कार्ड से बुकिंग करो आपको एक टिकट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ऐसे ऑफर भाई साहब क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, 3.5% कैशबैक, बुक माई शो पर एक मूवी टिकट फ्री, तो ये काफी जबरदस्त कार्ड है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं तो आपकी एज 18 साल से प्लस होना चाहिए, आप भारतीय नागरिक होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। बस आप इस अकाउंट को बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे वीडियो के माध्यम से ओपन कर सकते हो। तो अगर आप एक अकाउंट बनाते हैं अपना 500 रुपए मिल जाएगा, अगर आप अपने घर परिवार में दो अकाउंट बना लेते हैं तो आपको सीधा 1000 रुपए मिल जाएगा, अगर चार अकाउंट बना लेते हैं आप तो आपको 2000 रुपए अर्निंग होने वाली है भाई। चले हम बात करते हैं किस प्रकार से आपको इस अकाउंट को ओपन करना है और खास करके आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास क्योंकि वो लोग भी 500 रुपए की अर्निंग कर पाए। अब गाइस टाइड में अपना अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको टाइड बिजनेस इंडिया नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में। इसका लिंक डाल दिया हमने डिस्क्रिप्शन में, सिंपल सा आप वहां पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन फ्री अकाउंट का, आपको सिंपल सा इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का यहां पर इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले यहां पर आपको अपना एक मेल आईडी डालना है, नीचे यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। सिंपल सा आपको मेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन आएगा, देखिए बताया गया है कि आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, उसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जो मेल आईडी आपने अभी दिए उसको ओपन करना है, रिफ्रेश करना है। यहाँ पर आपको एक टाइड की तरफ से मेल मिल जाएगा, सिंपल सा आप एक बार इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई योर मेल करके, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमारा मेल यहाँ वेरीफाई हो चुका है, सिंपल सा इनेबल सिक्योर लॉगिन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लगा दीजिएगा या फिर अपना फिंगरप्रिंट सेट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर परमिशन को अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर अपनी सारी परमिशन को अलाउ कर देना और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है, इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको एसएमएस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है
और यहाँ पर अपना एक SMS सेंड करना पड़ेगा उसी मोबाइल नंबर से। जैसे मेरा सिम दूसरे नंबर पर डला हुआ है तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके और दूसरा नंबर सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ से और सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से हमारे इस प्रकार से अपना SMS सेंड कर देना है और उसके बाद इसको यहाँ से बैक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है, देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आपको सिंपल सा अपना पैन कार्ड नंबर डालना है यहाँ पर और नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आपको सिंपल सा इस टिक मार्क पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आधार कार्ड वाला एड्रेस डालने के लिए बोलेगा, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस डाल देना है। तो ऊपर आप पिन कोड डालेंगे तो उसके हिसाब से सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। अब यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है डिलीवर कार्ड टू दिस एड्रेस, यानी आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही फिजिकल टाइड कार्ड लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, वरना आप इस ऑप्शन को छोड़ देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मुझे बिजनेस एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर अपना पूरा बिजनेस एड्रेस आप डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलता है आपके लिए इफ सेम एज योर परमानेंट एड्रेस, यानी आपका परमानेंट एड्रेस और बिजनेस एड्रेस अगर सेम है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपके परमानेंट एड्रेस को ही यहाँ पर बिजनेस एड्रेस में ले लेगा। तो सिंपल सा आपको डाल देना अपने हिसाब से और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पर बिजनेस एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा बिजनेस एड्रेस डाल देना है अपना। आप चाहें तो अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस को ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके डाल सकते हैं। बिजनेस एड्रेस डालने के बाद सिंपल सा आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपका बिजनेस किस टाइप का। देखिए वैसे बिजनेस वगैरह अगर आपका नहीं है तब भी आप अपना कार्ड बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना इस कैटेगरी का, क्योंकि जब आप वीडियो केवाईसी करेंगे तो यहाँ पर आपसे कैटेगरी वो लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप कुछ भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है, सिंपल सा आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आता है, तो यहाँ पर हमें अपना वो OTP डाल देना है। अगर OTP नहीं आता है तो यहाँ से आप उसको रिसेंड कर सकते हैं। सिंपल सा हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और अब हमारे लिए वीडियो केवाईसी वाले पेज पर लेकर के जाएगा। बस आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से परमिशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो उसको आप अलाउ कर देंगे। अब यहाँ से आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है, स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड से वेरीफाई करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। अब आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, तो यहाँ पर आपको अपना OTP डाल देना है। बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का एक पिन डालने के लिए बोलेगा, तो अगर आपने कभी डिजी लॉकर बनाया था उसका पिन पता है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, वरना आप यहाँ पर रैंडम 6 अंक का कोई नंबर डाल सकते हैं। अगर नहीं लेता है फिर भी पिन, तो यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप अपना जो डिजी लॉकर का पिन है वो यहाँ पर फॉरगेट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आता है, सिंपल सा नीचे आपको एक अलाउ का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सारी डिटेल्स आपकी शो जाती है, आपको एक रिव्यू कर लेना है और फाइनल स्टेप पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो पैन कार्ड है ये यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा पहले ही, तो यहाँ पर आपको अपना जो पैन कार्ड है सिंपल सा इसका फोटो ले लेना है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैमरा का, तो आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ से अपने पैन कार्ड का फोटो लेकर के लॉक गुड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि भाई आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड कर लूंगा, इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आता है कि आप केवाईसी किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं हिंदी कर लेता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर देखिए टोकन नंबर मिल जाता है आपको, टोकन नंबर 3 मिला हुआ मेरे लिए। बताया गया है कि आपको 5 मिनट वेट करना है और यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप यहां पर इस पर क्लिक करके और कुछ परमिशन को अलाउ करके और इंस्टेंटली अपनी केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी में बस आपको ध्यान रखना है, अपने पास आधार कार्ड पैन कार्ड रखना है ओरिजिनल और आसपास कोई आवाज नहीं आनी चाहिए और आपके मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। जैसे केवाईसी ऑफिसर आपके साथ जुड़ते हैं इसके बाद आपका केवाईसी कर देंगे, वो लोग कुछ जानकारी आपसे वो लोग पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका पैन कार्ड नंबर, एड्रेस वगैरह, तो जो डिटेल्स आपने दी है वही सब आपसे पूछेंगे, सिंपल सा आपने बताइएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी केवाईसी हो जाएगी। केवाईसी यहाँ पर आप 10 AM से लेकर के 7 PM तक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपकी केवाईसी हो जाती है 24 घंटे के अंदर आपकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी। केवाईसी अप्रूव होने के बाद आपको SMS या मेल मिल जाएगा। इसके बाद आप अपना टाइड अकाउंट लॉग इन करेंगे, इसके लिए आप अपना टाइड एप्लीकेशन ओपन करिएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो सिंपल सा इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से मेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपने जो मेल आईडी अकाउंट ओपन करते समय दी है उसको आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे
और यहां से देखिए इस प्रकार से एक लिंक हमारी मेल आईडी पर गया है, बताया गया है। तो सिंपल सा अपनी मेल आईडी यहां से हमको ओपन करना है और आप रिफ्रेश करिएगा तो इस प्रकार से एक टाइड की तरफ से आपको मेल मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर ऑप्शन मिलेगा यस इट्स मी का, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इनेबल सिक्योर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, सिंपल सा आप उसको डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इस प्रकार से आपका टाइड अकाउंट लॉगिन है। आपको यहाँ पर वर्चुअल कार्ड अपना मिल गया है इंस्टेंटली, इसके लिए आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कार्ड का ऑप्शन रहेगा इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस प्रकार से कार्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपका कार्ड यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप चाहें तो ब्यूटी डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और अपने कार्ड को यहाँ पर देख सकते हैं। आपका ये वर्चुअल कार्ड है, यहाँ पर कार्ड नंबर मिलेगा आपको, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर सब कुछ मिल जाएगा और आपका फिजिकल कार्ड भी आपको 7 वर्किंग डे के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप एटीएम से भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ से उसका पिन सेट कर सकते हैं और यहाँ पर अपने कार्ड की लिमिट वगैरह सेट कर सकते हैं। वैसे आपको इस कार्ड पर 2 लाख रुपए की लिमिट मिलती है, आप एक ट्रांजेक्शन 2 लाख का कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा कैशबैक की, भाई इसमें कैशबैक के ऑफर्स कैसे हमको चेक करना है और किस प्रकार से मिलते हैं। देखो यहाँ पर आपको ऊपर प्रोफाइल का आइकन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे थोड़ा नीचे योर ऑफर वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखो सारे के सारे ऑफर्स आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पर देखो आपको 3.5% का कैशबैक मिलता है, ये कैशबैक आपको माइलस्टोन कंप्लीट करने पर मिलता है। सिंपल सी बात समझ लो, जैसे अगर हम इस कार्ड से 5,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो हमें 200 रुपये मिल जाएगा, अगर 20,000 रुपये स्पेंड करते हैं तो 700 रुपये कैशबैक मिल जाएगा, 50,000 रुपये स्पेंड करते हैं 1,700 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। भाई हम इस कार्ड से अगर 1,00,000 रुपये स्पेंड कर लेते हैं तो हमारे लिए 3,500 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा सीधा 3.5% का। अगर हम 2,00,000 रुपये इस कार्ड से स्पेंड कर लेते हैं तो हमारे लिए 7,000 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। अब आप सोच सकते हैं 3.5% तक का कैशबैक आजकल आपको क्रेडिट कार्ड पर भी नहीं मिलता है लेकिन एक प्रीपेड कार्ड पर मिल रहा है। इसी प्रकार से इनके और भी कई सारे ऑफर्स आते रहते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पर एक ऑफर मिला हुआ है 100 रुपये मैं अपने अकाउंट में लोड करूंगा मुझे यहाँ पर 50 रुपये वापस मिल जाएगा। इसी प्रकार से आगे बहुत सारे इनके ऑफर्स मिलते रहते हैं और यहाँ पर आप इन सभी ऑफर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी मेल आईडी चेक किया करो, आपके टाइट से रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी आपको बहुत सारे ऑफर्स नए नए मिलते रहते हैं। इस कार्ड का कोई भी चार्जेस वगैरह अब तक नहीं है तो बना लीजिएगा, बाद में चार्जेस वगैरह बढ़ सकते हैं, अभी आपको कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल रहा है तो भाई आज ही अपना अकाउंट बना लो।